हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकेंड में आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि के लिए उत्तरदायी घटक। इसमें सुनिए बैगनर के सिद्धांत को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एफ एस निटी ने समर्थन दिया है। उन्होंने व्यावहारिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह सिद्धांत केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि अन्य सरकारों पर भी लागू होता है जो एक दूसरे से व्यापक रूप से भिन्न हैं। संक्षेप में सभी प्रकार की सरकारों में चाहे उनके आकार तथा प्रकार जो भी हों सार्वजनिक व्यय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर वन सामाजिक क्रियाकलापों में लगातार विस्तार। नंबर दो मूल्यों में वृद्धि। नंबर थ्री प्रजातांत्रिक संस्थाएं। नंबर फोर्थ युद्ध और युद्ध के लिए तैयारी। नंबर फिफ्थ सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। नंबर सिक्स जीवन की आधुनिक उलझने। नंबर सेवेंथ बढ़ता हुआ नगरीकरण। नंबर एट्थ जनसंख्या में वृद्धि। नंबर नाइन्थ नियोजन एवं आर्थिक विकास। अब आती हैं क्रिटिकल स्टडी ऑफ द लॉ सिद्धांत की आलोचनाएं। यद्यपि बैगनर का सिद्धांत एक ऐसा सुविधाजनक ढांचा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर औद्योगिकरण एवं आर्थिक प्रगति के दौर में शामिल होने वाले आर्थिक तत्वों की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु इसमें निम्नलिखित कमियां या दोष हैं। नंबर फर्स्ट लैक ऑफ कॉम्प्रेहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता का अभाव। इसमें सुनिए वैगनर की परिकल्पना या सिद्धांत में व्यापकता का अभाव है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किसी भी समाज का सार्वजनिक व्यय निर्धारित करते समय वहाँ के समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र तथा सांस्कृतिक परिवेश को भी विचार में रखना चाहिए। नंबर सेकंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप परिमाणात्मक संबंध। बैगनर के सिद्धांत में समय एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परस्पर परिमाणात्मक संबंध क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को भी तार्किक अथवा कार्यात्मक आकार नहीं दिया गया है। नंबर थर्ड इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ वार यानी कि युद्ध के प्रभाव पर ध्यान नहीं। बैगनर की परिकल्पना में सरकारी व्यय पर युद्ध के प्रभाव की अवहेलना की गई है जो कि आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण घटक है। नंबर फोर्थ नॉट एक्सेप्टेबल टू वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों में स्वीकार्य नहीं। यह राज्य के स्वनिर्धारण सिद्धांत पर आधारित है तथा यह सिद्धांत अधिकार पश्चिमी देशों में प्रचलित नहीं है। नंबर फिफ्थ अदर डिफेक्ट्स अन्य दोष। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है जबकि आवश्यकता और उपयोगिता अल्पकालीन सिद्धांतों की होती है। अब नंबर थर्ड आता है हमारा पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस यानी कि पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का दूसरा सिद्धांत वाइजमैन एवं पीकॉक नामक ब्रिटेन के दो अर्थशास्त्रियों द्वारा 1890 से 1995 के बीच ब्रिटेन के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के अध्ययन के क्रम में प्रस्तुत किया गया था। यह सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति में समय अवधि पर जोर डालता है और इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एक लगातार तथा एक ही रफ्तार से होने वाली वृद्धि नहीं है बल्कि यह चरणों में होने वाली वृद्धि है। विभिन्न चरणों के दौरान कुछ सामाजिक अथवा अन्य अड़चनें आती हैं जो कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करती है क्योंकि वर्तमान सार्वजनिक राजस्व इस स्थिति से निपट नहीं पाता। इस परिकल्पना में तीन अलग अलग शाखाएं हैं। नंबर फर्स्ट
डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट विस्थापन प्रभाव। सुनिए, पीकॉक वाइसमैन ने 1890 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्ष वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में हुई है, ना कि निरंतर वृद्धि के आधार पर। दूसरे शब्दों में सरकारी राजस्व पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं तथा सामाजिक संकट के समय भी, अर्थात जिस समय पर युद्ध व मंदी भी थी, तो इसमें वृद्धि हुई है। इन बाधाओं ने विस्थापन प्रभाव स्थापित किया है, जिसके फलस्वरूप पुराने कर्ण तथा व्यय स्तर के स्थान पर नए तथा उच्च बजटीय स्तर आ जाते हैं। जब से सामाजिक उपद्रव शांत हुए हैं, तब से करों की नई दरें आई हैं तथा समाज सोचता है कि वह उच्च सार्वजनिक व्यय स्तर के लिए नए करों को सह सकता है। इसलिए सामाजिक अशांति के पश्चात पुराने कराधान के स्तर को लागू नहीं किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आवंटन के उच्च स्तर के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। विस्थापन प्रभाव के कारण सार्वजनिक व्यय में स्थिर वृद्धि स्टेबल ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि अनियमित रूप से मकान की सीढ़ियों की तरह कई चरणों में होती है, जैसा कि इस चित्र नंबर 2 में प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में बिंदुकित क्षैतिज रेखाएं सामान्य अवधि में सार्वजनिक व्यय के स्तर को तथा मोटी क्षैतिज रेखाएं युद्धकाल के दौरान होने वाले सार्वजनिक व्यय को प्रदर्शित करती हैं। जो मतलब क्षैतिज रेखाएं जो जैसे डॉटेड रेखाएं हैं, वो तो सामान्य अवधि में सार्वजनिक व्यय के स्तर को, और जो मोटी मोटी डार्क वाली लाइन है वो युद्धकाल के दौरान में होने वाले सार्वजनिक व्यय को प्रदर्शित करती हैं। चित्र 2 में युद्ध के पहले सामान्य परिस्थितियों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक व्यय का स्तर AB है, AB दर का, यानी सार्वजनिक व्यय GNP के प्रतिशत। फिर अब मान लीजिए कि शुद्ध युद्ध की परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त कर लगाया जाता है, जिससे सरकार की आय में वृद्धि हो जाती है, फलतः सार्वजनिक व्यय भी बढ़ता है और व्यय का स्तर बढ़कर AB से बढ़कर CD हो गया, CD हो जाता है। अब युद्ध समाप्त होने के बाद मान लीजिए D समयावधि में युद्ध समाप्त हो जाता है, 2 स्थितियां संभव हो सकती हैं। प्रथम युद्ध के बाद भी कर का वहां स्तर विद्यमान रहे जो युद्ध के दौरान था, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक व्यय का पूर्ववत स्तर अर्थात CD ही बना रहेगा। द्वितीय, इस बात की संभावना अधिक रहती है कि युद्ध के उपरांत कुछ कर समाप्त कर दिए जाएं, जिन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में करदाताओं ने बलात् देना स्वीकार किया हो। ऐसी दशा में सार्वजनिक व्यय का स्तर CD से कुछ नीचे आ सकता है, CD से कुछ नीचे आ गया आ सकता है, जैसा कि EF स्तर से प्रदर्शित हो, EF है जब से प्रदर्शित हो, परंतु व्यय का यह स्तर अब भी AB स्तर से ऊपर है, AB स्तर से ऊपर है। ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति संभव हो सकती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब नंबर 2 आता है इंस्पेक्शन इफेक्ट, निरीक्षण प्रभाव। इस प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यय के नए उच्चतर स्तर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक जटिलता द्वारा उत्पन्न स्थिति में जारी रहती है। इस तरह बढ़ा हुआ व्यय आंशिक रूप से सामाजिक कठिनाई का परिणाम है, जबकि अन्य व्यय सरकार की नई आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर सामाजिक कठिनाइयां लोगों और उनकी सरकारों पर उन समस्याओं के हल ढूंढने के लिए जोर डालते हैं जिनकी पहले अवहेलना हुई थी। इसे निरीक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, एकाग्रता या केंद्रीकरण प्रभाव। पीकॉक तथा वाइसमैन केंद्रीकरण प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। यह अवधारणा केंद्रीय सरकार की आर्थिक गतिविधियों की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है कि जब समाज में आर्थिक वृद्धि
होती है तो यह आर्थिक गतिविधि समग्र सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का बड़ा हुआ अंश बन जाती है। ऐसा होना अनिवार्य है क्योंकि केंद्रीय सरकार को उच्च आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए बहुत से उपाय करने पड़ते हैं। संक्षेप में पीकॉक और बाइसमैन ने कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक क्षेत्र में सापेक्ष वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। स्थापन प्रभाव एक निरीक्षक की प्रक्रिया आरंभ हो इसमें वर्तमान समस्याओं की अधिक स्पष्टता से व्याख्या की जा सकती है तथा उनकी बाधाओं के विस्तृत अध्ययन के पश्चात सशक्त संभावित उपाय सुझाए जाते हैं। तब तक केंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें केंद्रीय सरकार सकल सार्वजनिक क्षेत्र का बृहत अनुपात बन सकती है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन है, यद्यपि पीकॉक व वाइसमैन सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत वैगनर के सिद्धांत से श्रेष्ठ है, परंतु इसमें निम्नलिखित कमियां हैं। यह स्वयं को विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत तथा कानून घोषित नहीं करती, यह केवल वृद्धि पद्धति के कुछ बिंदुओं की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है। इसी प्रकार से शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, इसके साथ जुड़े सरकार के कर्तव्य सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार यह कल्पना परिकल्पना एक विशेष प्रकृति का है और कार्य के सभी संबंधित कार्यों को अलग नहीं करता। नंबर 4 आता है क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस ऑफ कोलिन क्लार्क का न्यूनतम सीमा सिद्धांत। कोलिन क्लार्क ने अपनी पुस्तक पब्लिक फाइनेंस एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक मॉडल या सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे उन्होंने कराधान सहन स्तर टॉलरेबल लेवल ऑफ टैक्सेशन के संबंध में न्यूनतम सीमा सिद्धांत द क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस कहा है। कोलिन क्लार्क ने पश्चिमी देशों के अंतर्युद्ध से अनुभव सिद्ध आंकड़े एकत्र किए। उसके विचार में जब अर्थव्यवस्था की कुल आर्थिक गतिविधियों में 25% से अधिक सरकार का अंश हो जाता है, कोलिन क्लार्क के अनुसार संतुलित बजट होने पर भी जब सरकार का अंश कुल आर्थिक गतिविधियों के 25% तक पहुंच जाता है तब अर्थव्यवस्था में स्फीतिजनक स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं तथा समाज के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि अतिरिक्त आय का बढ़ता हुआ अनुपात प्रगतिशील कर प्रणाली के कारण लोगों का करों के रूप में भुगतान करना पड़ता है। फलतः लोगों के कार्य करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उत्पादन घटने लगता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।